नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विश्व एड्स दिवस के मौके पर एड्स एवं HIV के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय विभागों, संस्थाओं, समितियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया। उन्होंने सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में कुल 53 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ और अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉक्टर SK बेंजवार भी कार्यक्रम में मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि HIV एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव मुक्त व्यवहार होना चाहिए। सामान्य नागरिकों की तरह उन्हें भी संविधान प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां HIV पीड़ितों के शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। HIV एड्स पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। HIV एड्स पीड़ितों के लिए प्रदेश में 150 परामर्श एवं जांच केंद्र तथा 8 ART केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जल्द ही 3 और ART केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एड्स एवं HIV के नियंत्रण और रोकथाम में यह बड़ी चुनौती है कि बहुत से लोग अपनी HIV अवस्था से अनजान है। ऐसे लोगों को स्वैच्छिक परामर्श एवं मार्गदर्शन की जरूरत है। सिंहदेव ने एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम में सहयोग के लिए आज सम्मानित हुए सभी लोगों और संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।